हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। वी आर रीडिंग द पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड वर्स्ट बैक टू इट्स mention call the fleeting wreath. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? जो poet है, speaker है, Thomas Gray, वो observe करता है कि can story earn, कि ये जो fancy दिखने वाला earn है ना, तो ये और ना ही कुछ और उनको वापस जीवित कर सकता है। नथिंग कैन ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। एंड सारे जो एडवांटेजेस हैं वो जो वेल्दी लोग, रिच पीपल उनके लाइफ में रखते हैं, वो सब अब इनके सामने यूजलेस है क्योंकि ये लोग मर चुके हैं। अब ये वापस नहीं आएंगे, वापस जीवित नहीं होंगे। अब कोई भी फ्यूनरल मोन्यूमेंट या फिर कोई इम्प्रेसिव ऑनर इनकी लाइफ को रीस्टोर नहीं कर सकता है कि जो कोई भी ऑनर दे करके इनको तुम जगाना चाहो, जो अपनी साइलेंट डस्ट में साइलेंट हो चुके हैं, तो वो इनको वापस नहीं जगा सकती है अपनी डेथ से। नॉर कैन फ्लैटरी इन सम वे वी यूज टू चेंज द माइंड ऑफ डेथ। और ना ही फ्लैटरी कर करके तुम इनके जो कोल्ड ईयर हैं, जो डेथ के कारण इनके कान जो ठंडे पड़ चुके हैं, उनको सूद कर सकते हो, आराम दे सकते हो। तो जो पोइट है वो इस स्टेंजा के माध्यम से ये कहना चाहता है कि कुछ भी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट अलाइव दीज पीपल हु आर डेड, कि जो लोग मर चुके हैं उनको कोई भी चीज़ वापस जिंदा नहीं कर सकती है। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, कि इस स्टेंजा में जो पोइट है वो रिकंसिडर कर रहा है कि जो ओल्ड पीपल है, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो चर्चयार्ड के बगल में दफना दिए गए हैं, वो उनके उस स्थान को तुम नेगलेक्ट मत करो जहाँ पर वो लेटे हुए हैं। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे जिनका हृदय भी पैशन से भरा हुआ होगा, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे होंगे। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट बी स्वेड, और इनमें से कुछ लोग जो है वो शासक बनने की इच्छा भी रखते होंगे और उन्होंने उसके लिए हैंड्स भी उठाए होंगे। और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और अब कोई भी वीणा जो है इनको वो परमानंद नहीं दे सकती है जगा करके, जो उस समय दिया करती थी, लेकिन उस समय ये उसको हासिल नहीं कर पाए। मतलब इनमें से कोई तो पोइट बनना चाहता होगा या म्यूजिशियन बनना चाहता होगा, लेकिन टाइम और फेट के आगे किसी की नहीं चलती, तो टाइम और फेट ने इन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी होगी। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज, लेकिन ज्ञान ने भी इनके सामने अपने पन्ने नहीं खोले होंगे। जो मतलब पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपनी इच्छाओं को कभी पूरा ही नहीं कर पाए होंगे। जो उनकी कोई पॉलिटिकल इच्छा रही होगी या फिर कोई भी आर्टिस्टिक पोटेंशियल रहा होगा, तो देवर अनएजुकेटेड, तो वो बेचारे बिना पढ़े ही रह गए। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल,
रिच लोग जो है जो पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते, तो ऐसे लोग जो है इन लोगों ने अपना टाइम ही वेस्ट किया होगा। लेकिन बेचारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों के सामने तो नॉलेज ने अपने पन्ने ही नहीं खोले होंगे। चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोवल रेज एंड फ्रोज द जिनाइल करंट ऑफ द सोल। और चिल पेन्यूरी, पेन्यूरी का मीन्स है गरीबी, गरीबी ने जो है उनके जो रेज है, नोवल रेज है, उसको समय से पहले ही दबा दिया था क्योंकि वो गरीब थे। इस कारण से वो कुछ कर ही नहीं पाया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो सब करने की। एंड फ्रोज द जिनाइल करंट ऑफ द सोल, और उनकी जो जिनाइल करंट था उनका, जिनके अंदर किसी चीज़ को करने की चाहत थी, उसको करने से पहले ही उनके हार्ट के अंदर जमा दिया गया गरीबी के द्वारा। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन एंड डार्क अनफेदर्ड केव्स ऑफ ओशियन वियर। इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं, जो ये लोग जो मर चुके हैं बेचारे अनलोन लोग, इनमें से बहुत सारे हीरे की तरह रहे होंगे, एकदम साफ दिल के, जिनके मन में कोई पाप ना रहा होगा। तो जैसे कि जैम जो है वो हिडन होता है कहाँ, ओशियन में, और तो वैसे ही ये लोग भी हिडन रहे होंगे क्योंकि इनकी गरीबी ने इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कुछ भी करने की। द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर की जो जैम है वो अंधेरे गहराई में केव्स में, ओशन की केव्स में मिलता है। ऐसे ही ये लोग भी अगर उनमें से कोई किसी को ढूंढा जाता है तो वो भी एक हीरे की तरह रहे होंगे। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, बहुत सारे फूल होते हैं जो खिलते हैं और मुरझा जाते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही वेट्स इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और ये फूल कहाँ खिलते हैं, डेजर्ट में, तो डेजर्ट में अपनी खुशबू को ये बर्बाद कर देते हैं क्योंकि कोई इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ये अपने आप ही खिल जाते हैं और अपने आप ही फिर टाइम के साथ मुरझा जाते हैं। तो ऐसे ही ये बेचारे गरीब लोग रहे होंगे जिन्हें, जिनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ये लोग बड़े हुए गरीबी में और उसी में मर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।